स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा पीछे भी रहती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू 10 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले दिन फिल्म ने अच्छी शुरुआत की। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स ने बताया कि करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने पहले दिन 12 करोड़ की कमाई की। फिल्म को सुबह के शोज में भीड़ मिली, लेकिन शाम होते होते कलेक्शन गिरने लगा। दूसरे दिन भी फिल्म का बिजनेस अच्छा रहा। दूसरे दिन फिल्म ने 15% की ग्रोथ के साथ में 14 करोड़ की कमाई की। दो दिन का स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू का कुल कलेक्शन लगभग 25 करोड़ के पार रहा। वहीं फिल्म की पोजीशन और बेहतर हो सकती थी अगर आज रविवार को बिजनेस जो है 20-30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि संडे की छुट्टी का इसको फायदा जरूर मिल रहा है और साथ ही साथ ये फिल्म आज जो है 16-17 करोड़ कमा सकती है। पहले दो दिनों में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कलेक्शन बड़े शहरों में अच्छा रहा, लेकिन छोटे शहरों में इसका कलेक्शन कम ही देखने को मिला, खासकर उन शहरों में जहाँ मल्टीप्लेक्स नहीं है और इनकी संख्या कम है। बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर पहले हफ्ते में 40 करोड़ की कमाई कर सकती है। वहीं पहले दिन फिल्म की कमाई इसे 2019 की पांचवी सबसे अच्छी ओपनिंग में शुमार करवा दिया था। इस साल आई फिल्म कलंक 21.60 करोड़, केसरी 21.06 करोड़ और गली बॉय 19 करोड़ के पार टोटल धमाल 16 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं पांचवें सोटी ने कमाल किया है और उन्होंने 12 करोड़ की कमाई की है। दोस्तों, आपके हिसाब से इस साल की बेस्ट मूवी कौन सी है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।